मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए बिहार में जो हो रहा है वो सभी कोई देख रहे हैं, जीतन राम मांझी का बयान, ये सब कुछ हो रहा है, मगर साथ में एक और चीज़ चल रही है, वार्ड सचिव की धरना प्रदर्शन। 114,000 से ज़्यादा के वार्ड सचिव संख्या में गर्दनी बाग में पहुँचे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम पहुँचे हैं जदयू दफ्तर, हमारे साथ निखिल मंडल है, जदयू के प्रवक्ता। क्या हो रहा है सर, आप लोग बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे, 114,000 का तो छीन रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए 19 लाख का रोजगार हमने कहा था तो कोई यूं ही नहीं कह दिया। आपको याद होगा कि सरकार बनी और पहली कैबिनेट में ये अप्रूव भी हुई और वो सब कुछ पाइपलाइन में होता है, ऐसा तो नहीं है कि स्विच है कि आपने ऑन किया ऑफ किया, समय लगता है सबसे पहले। और रोजगार के प्रति हम सभी सरकार में जितने भी दल हैं सभी कोई मिल करके बहुत ही गंभीरता पूर्वक आगे काम कर रहे हैं। बाकी जो समस्या आप बता रहे हैं, जिस समस्या को लेकर आप सवाल पूछ रहे, तो निश्चित रूप से सवाल अगर है या समस्या आपको है तो एक प्लेटफॉर्म होता है, उचित प्लेटफॉर्म पे अपने बात को रखेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। इसमें और कहां कोई समस्या है, अपने बातों को आप सही जगह रखें, उसके तहत देखा जाएगा कि क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है, तो आगे उसका निष्कर्ष निकलेगा। मगर निखिल जी, 4 साल उन्होंने काम किया, उनका कहना है सर पैसे भी नहीं लिए, सैलरी भी नहीं थी, अब वो सब छोड़ छाड़ कर आए थे, अब वो कह रहे हैं भाई कि 114,000 की ज्यादा की संख्या में एक लेटर देकर बाहर कर दिया, 4 साल हमसे काम करवाया, हम जाए तो कहां जाए। वही तो मैंने कहा कि कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके अपनी बातों को, जो वहाँ पे भाई हर जगह एक प्लेटफॉर्म होता है ना, मान लीजिए मैं एक दल में हूँ तो दल का एक प्लेटफॉर्म है, सरकार का भी एक प्लेटफॉर्म है, अलग अलग विभाग के मंत्री हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो मुझे लगता है अगर बातचीत के, धरना प्रदर्शन और हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता, बातों के तहत ही चीज़ें निकलती है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और एक एग्रेशन के साथ कि इतना ही होना चाहिए, ऐसी कोई भूमिका लेकर के आप जाएंगे तो कभी बातचीत सार्थक नहीं निकल पाएगा। सार्थक बातें तभी होती है कि जब आप भी एक कदम पीछे हटिएगा, सामने वाला भी एक कदम पीछे हटेगा और उचित प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, तभी निष्कर्ष। तो अब क्या होगा, वो रहेंगे जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो जानना चाहते हैं। देखिए ये जो आप पर्टिकुलर सवाल पूछ रहे हैं तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा सवाल है जो उस डिपार्टमेंट के लोग कंसर्न मिनिस्टर से तमाम चीज सामने रख सकते हैं कि आगे क्या होना है। जब फाइनली जो डिसीजन आएगा उसके तहत जो जानकारी है वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस सवाल में आगे क्या होना है अभी फिलहाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है, कंसर्न डिपार्टमेंट के तहत ही आपको पता चलेगा। आपने जैसा कहा कि बात करनी चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट चाहिए, निश्चित रूप से। उन्होंने कहा अभी तक हम बैठे हैं, कोई आया तक नहीं है सरकार का कोई नुमाइंदा। नहीं भाई, वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप अगर जनरली होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक ज्ञापन लेते हैं, सब कुछ लेके सामने इन चीजों को जाकर रखते हैं, तो आना और प्रदर्शन देने के बावजूद, ठीक है वो आपका अधिकार है लोकतंत्र में, उसकी भी खूबसूरती आप अपनी बात को उस तरह से रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ों को आपने ये कहा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी तक वहाँ कुछ अप्रोच नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट ने पहले भी कहा कि लोगों तक उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो निष्कर्ष जरूर। एक आखिरी सवाल, उन लोगों का ऐसा आरोप है कि आप लोग MLC चुनाव के लिए खेला कर रहे हैं। देखिए चुनाव के लिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर चुनाव के लिए ही अगर कुछ किया जाए, एक समय के लिए सोच लिया जाए, तो चुनाव के लिए किसी को कोई दुखी तो नहीं करता है, तब सब 4 साल बाकी है ना मेन चुनाव। अरे आप गजब हाल है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि आप आज दुखी तो रहिएगा उस दिन खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सरकार सबको लेके चलती है और हम हमेशा यूं ही नहीं कहते, ए से जेड अगर बोलते हैं तो समाज के हर तबके को, हर विभाग के लोगों को, सबको उचित सम्मान देती है और सबके लिए सरकार है, कोई एक व्यक्ति के लिए सरकार नहीं है। मुझे लगता है इस तरह के आरोप तो भाई हमारे विपक्ष के लोग ही लगा सकते हैं। चले, इस तरह के आरोप तो हमारे विपक्ष के लोग ही लगा सकते हैं, मगर जो सवाल है वो उन लोगों का था, हमने पूछने की कोशिश की। निखिल मंडल जो जदयू के प्रवक्ता हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि हम कोशिश में लगे हैं। अब कोशिश कितनी कामयाब होगी नियत पे डिपेंड करती है। आपको क्या लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि सरकार के मंत्रियों से तो हम सवाल पूछेंगे ही, नीतीश कुमार तक भी ये मुद्दा पहुंचे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।